चलिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। मेले में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसके बीच में नियमों की धज्जियां उड़ाने की एक खबर सामने आई है, जहां पर मेले में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बुलंदशहर से, जहां पर COVID-19 की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मेले में किसी तरह के नियमों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिख ही नहीं रही है, लोग भीड़ में बिना मास्क लगाए पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, तमाम लोग इस मेले में बिना नियमों के पालन के पहुंचे हुए हैं। आपको बड़ी खबर ये बता रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंडिया न्यूज की टीम आज उस जगह पहुंची है जहांगीराबाद में, जहां कल इंडिया न्यूज की टीम ने वो खबर दिखाई थी जहां अश्लील डांस हो रहा था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह की ये भीड़ लगी हुई है, यहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना है और अगर यहां कोरोना फैलता है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होती है। बुलंदशहर से भी आज अगर कोरोना की बात करें तो लगभग 15% बुलंदशहर से आज निकले थे। मेरे पीछे देखिए आप देख सकते हैं बॉम्बे सर्कस के नाम से यहाँ पर ये एंट्री हो रही है और यहाँ बताया जा रहा है बाकायदा, ये देखिए मासूम बच्चे भी यहाँ हैं और पीछे से आप देखिएगा, देखिए ये यहाँ बाकायदा ये पुलिस का लठ, ये पुलिस वाला, ये देखिए ये मैंने देखा ये पुलिस के पास होता है ये लठ, आखिरकार ये किसके पास, ये कैसे, देखिए ये पुलिस प्रयोग करती है, ये बाकायदा यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये देखिएगा यहाँ ये लोग ये टिकट कर रहे हैं और ये पुलिस पे होता है, ये डंडा पुलिस का होता है, इसका ये प्रयोग कर रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं देखिए कितनी भीड़ यहाँ है। कोरोना की अगर बात करें तो बुलंदशहर में लगातार कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मेले का आयोजन आखिरकार किसकी सह पर हो रहा है, कौन इसका आयोजक है, कौन ये करा रहा है, किसकी सह पर हो रहा है। इंडिया न्यूज़ के कैमरे में अभी कुछ पुलिसकर्मी भी कैद हुए थे जहाँ हमने देखा था कि पुलिसकर्मी भी यहाँ आए हुए हैं। फिलहाल बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से COVID-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुनीत हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ गए। पुनीत, बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर भी COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन होता इन तस्वीरों में तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बिल्कुल प्रतीक्षा सही कहा आपने, जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, आखिर सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रदर्शनी का मेला किसकी सह पर चल रहा है और वहां पर इतनी भीड़ जो विजुअलों में साफ दिखाई दे रही है कि वहां कितनी भीड़ है। सबसे बड़ी बात यह कि जब इंडिया न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद करनी चाहिए तो उस ठेकेदार के कुछ गुर्गे इंडिया न्यूज की टीम को रोकने लगे, लेकिन इंडिया न्यूज सच दिखाने से कभी डरता नहीं है और वहां जाकर के इंडिया न्यूज ने वो सच्चाई दिखाई जिससे एक महामारी बुलंदशहर में महामारी को रोकने के लिए जो है वहां हर प्रयत्न किए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है और बुलंदशहर में कल भी कोरोना के 15 पेशेंट निकले थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की तो आखिर क्या वजह है कि जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है और इस तरीके के मेले का आयोजन किया है। एक तरफ जहां कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोकबागों के लिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यहां बुलंदशहर के जहांगीराबाद में कैसी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ये विजुअल साफ बयां कर रही हैं। जी। पुनीत, जब आप मौके पर वहां पर पहुंचे, तस्वीरें तो हमने देख ली, क्या वहां पर किसी तरीके की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर या फिर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पर? देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर पुलिसकर्मी भी तैनात थे और किसी भी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मास्क भी नहीं था, लेकिन अगर हमारी जो वहां जिले के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है कि उन्होंने ये बताया था कि मेले में कोई पुलिस ड्यूटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिसकर्मियों की बात करें तो विजुअल साफ दिखाई दे रहे हैं, विजुअलों में साफ दिखाई दे रहा है कि बाकायदा किस तरीके से वहां पर जो है पुलिसकर्मी घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जिनको पता भी नहीं है
कि कोरोना क्या होता है, और वहां पर भी वो लोग झूले में झुलाए जा रहे हैं, लगातार वहां भीड़ चल रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आखिर किसकी वजह है, कौन लोग हैं और किसके दबाव में ये जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों जहां पर एक तरफ प्रशासन की लापरवाही यहां पर है, पुलिस कर्मी जो है बिना मास्क के वहां पर है, जो प्रशासन की लापरवाही है वो तो साथ साथ दिख ही रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे हैं, ना मास्क वहां पर लोगों ने लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी उतनी ही ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों की लापरवाही भी उतनी दिखाई दे रही है वहां। लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि लगातार कोरोना बढ़ रहा है, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से के जो आयोजन होते हैं, प्रदर्शनी वगैरह, मेले वगैरह जो चलते हैं, क्योंकि अभी लखनऊ से सीएम योगी साहब ने ये कहा था कि 100 लोगों से ज्यादा कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो और उन पर कार्रवाई की जाए, तो क्या जिला प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या ये प्रदर्शनी चलनी जरूरी है? बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपके अधिकारियों से कोई बात हो पाई हो, क्योंकि पूरी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, कल हमारी बात हुई तो उनका वही रटा रटाया जवाब है कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है और जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि कल जो पिछले कल है वो इंडिया न्यूज ने पहले प्रमुखता से खबर दिखाई थी जब वहां अश्लील डांस हो रहा था, हालांकि वो डांस तो बंद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें दूसरे रूप में जो है वहां पर सर्कस का टिकट बांटा जा रहा था और सर्कस में एक और दूसरा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं अगर बात करें मिली भगत की, तो ये सारा सब चीज मिली भगत से ही चल रही है, सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन सख्ती करता तो कल ही जब वहां डांस चल रहा था उसके बाद में पूरी नुमाइश को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग बाग इकट्ठा ना हो। हालांकि जिले में एक धारा 144 का भी ये बात बताया जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से विजुअल बयां कर रहे हैं कि धारा 144 का कैसा उल्लंघन हो रहा है, ये तो साफ तस्वीरें बयां कर रही है। पुनीत, कितने दिनों से ये प्रदर्शनी चल रही है और आगे कितने दिनों तक ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं लगभग पिछले 10-15 दिन से ये चल रही है और 15 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक ये बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। जी जी, 15 अप्रैल तक चलेगा। और तस्वीरें अभी से इतनी डराने वाली हैं क्योंकि चिंता का विषय ये है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक किस तरीके से आंकड़े बुलंदशहर से सामने आए हैं? देखिए कोरोना को लेकर के अगर आंकड़ों की बात करें तो कल ही बुलंदशहर में 15% आए हैं और उससे पहले भी 21% आए थे लगभग। अगर कुल टोटल की बात करें तो बुलंदशहर में जो है फिलहाल की अगर एक्टिव केसों की बात करें तो लगभग 150 के आसपास जो है वो एक्टिव केस हैं। जी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि लोगों की लापरवाही किस तरीके से उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बार बार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है, लापरवाही ना बरते, सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना से इस जंग में हम जरूर जीत पाएंगे अगर आप अपना साथ देंगे। तो चलिए।